कीमोथेरेपी नाम से ही डर लगता है। डरावनी अलग अलग तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कैंसर से होने वाली मुश्किल लड़ाई में कीमोथेरेपी हमारा ताकतवर शस्त्र है। ऐसा शस्त्र जो शत्रु का नाश करता है। शत्रु मतलब कैंसर। कीमोथेरेपी में कुछ विशिष्ट दवाओं या रसायनों को कैंसर कोशिकाओं को खत्म या निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलाइन यानी नस के रास्ते या फिर गोलियों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी जाती है। हर मरीज के लिए खास रूप से तैयार होता है ये उपचार। कीमोथेरेपी इज टू टेक केयर ऑफ एनी सेल्स व्हिच हैव एस्केप्ड और हैव लॉज्ड एल्सवेयर इन द बॉडी, मे बी इन द बोन मैरो, इट कुड बी इन द लंग, एनीवेयर, और एनी सेल्स व्हिच आर इन द सर्कुलेशन, कीमोथेरेपी वुड टेक केयर ऑफ इट। कीमोथेरेपी संचार प्रणाली में जाकर तेजी से बढ़ती कैंसर सेल्स को ढूंढ कर खत्म करती है। एक फौज की तरह ये युद्ध का समय है। शत्रु को ढूंढो, बढ़ने से रोको, मारो, वो चाहे शरीर में कहीं भी क्यों ना हो। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, नुकसान थोड़ा अपना भी। कीमोथेरेपी काम करती है तेजी से बढ़ती सेल्स पर। कैंसर सेल्स की इसी खूबी के आधार पर ढूंढती है उन्हें। लेकिन कुछ सामान्य कोशिकाएं जैसे रक्त, आंतों और मुंह की कोशिकाएं और बाल भी तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी का असर है दस्त या उल्टियां, थकान या कमजोरी। बालों का झड़ना कीमोथेरेपी का सबसे बाहरी प्रभाव। शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। नाखून का रंग या रूप बदल सकता है। मुंह या गले में छाले या खराश, वजन कम या ज्यादा, सूंघने या चखने की क्षमता में बदलाव भी। And there are side effects, but again it is unique to each person. Suppose if you had vomiting, that does not mean I'll also have vomiting. And each person has their own way of fighting it. Each person has their own immunity level. So how you keep yourself during that time, how is your environment? There are some common things which will happen, like hair loss hoga, nausea hoga. So बाकी सारी चीजों में भी तो होता है ना, अगर आप हार्ट की ये करते हैं या डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं खानी होती है, तो तब भी तो आप ये सब करते ही हो ना, सो फिर कीमोथेरेपी से क्यों डरना? एक्चुअली कीमो इज नॉट स्कैरी एट ऑल, ठीक है, हैं थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं। जब आप कीमो ले रहे हो दैट टाइम यू डोंट फील एनीथिंग, इट्स जस्ट टेकिंग एन आईवी। बट कीमो के साइड इफेक्ट्स से, चूंकि हमने इतना सब कुछ सुन रखा है उसके बारे में कि इट्स वेरी स्कैरी, बट देन द डॉक्टर टोल्ड मी दैट जो आपने कही सुनी बातें सुनी हैं, दोज आर प्रॉब्ली 20 इयर्स 30 इयर ओल्ड थिंग्स, सो इट्स ऑल कही सुनी। व्हेन यू एक्चुअली गो थ्रू कीमो यू विल रियलाइज दैट इट इज, सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव हैड वर्स प्रेगनेंसीज, ओके, द कीमो इन इटसेल्फ, इनफैक्ट द फर्स्ट कीमो व्हेन आई डिड, आई वेंट एंड आस्क्ड द डॉक्टर के डू यू थिंक इट्स वर्किंग ऑन मी बिकॉज आई हैव नॉट हैड मेजर साइड इफेक्ट। ये तकलीफ उतनी नहीं होती कि जिसकी वजह से, जिसको आप झेल ना पाए, जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाए और जिसके आपके शरीर पे एकदम लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट असर होगा। और ज्यादातर पेशेंट समझ जाते हैं इस बात को और फिर ट्रीटमेंट कराते हैं। डर एक असल और स्वाभाविक भाव है। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव भी असल। अपने आप को ये याद दिलाना जरूरी कि कीमोथेरेपी हमारी दोस्त, हमारी फौज है जो हमारे लिए लड़ रही है। ये कष्ट ठीक हो जाएगा। Try to visualize the chemo molecules coming in contact with the malignancy, coming in contact with the area that it is supposed to attack, how it is affecting it, how it is sort of breaking it down. Visualize the tumor almost melting. उसको पिघलते देखते हैं, यू नो, यू एक्चुअली विजुलाइज इट सॉर्ट ऑफ मेल्टिंग और श्रिंकिंग और सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन इन द प्रॉब्लम, सो दैट एक्ट्स ऑन अ वेरी सिंबॉलिक लेवल एज वेल, अ वेरी नॉन, अ वेरी सॉर्ट ऑफ सजेशन बेस्ड लेवल एज वेल। एंड व्हेन दैट हैपेंस देयर इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तीसरे स्टेज के स्तन कैंसर का सामना करते समय रूबी ने अपना पेंट ब्रश उठाया। इससे मन शांत हुआ, केंद्रित, दुष्प्रभाव से जूझने में मदद मिली। वो कीमोथेरेपी के दिन काम पर जाती और हर सेशन के बाद कुछ दिन आराम।
कीमोथेरेपी के कारण उनके बाल झड़ गए और उनका जी भी मिचला था, लेकिन अब वो सब बीत चुका है, वो स्वस्थ है। In fact, now when I look back upon my... सच तो ये है कि मैं अपने ऊपर हंसती हूँ कि बालों के बारे में मैं इतना क्या सोच रही थी। आखिरकार यही सोचा कि मेरी जिंदगी, मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए कितनी जरूरी है, कितनी कीमती, और मैं अपने बालों के बारे में सोच रही हूँ। मैं यही कहूँगी कि बाल बहुत छोटी चीज है और हम बालों के बिना भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। नंबर वन एंड नंबर टू, यू लुक एक्सट्रीमली प्रिटी विदाउट हेयर ऑल्सो, दैट इज व्हाट आई रियलाइज। कीमोथेरेपी से दोस्ती करने की जरूरत है। इसके दौरान शरीर कमजोर होता है, अपने को संक्रमण से बचाना और पोषण का खास ध्यान रखना जरूरी। डॉक्टर से बात करें, अगर ज्यादा तकलीफ हो तो उसका निदान मांगें, अपना ध्यान रखें। कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के लिए भी आपको कभी कभी हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका जो लिया हुआ, जो नेचुरल फूड, नेचुरल वे से जो डाइट लिया हुआ है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि आपको नौशिया होता है, आप ले नहीं पाते हो, वॉमिटिंग होता है, आप ले नहीं पाते हो, पर ये टाइम पे हम लोग आपको ब्लैंड और क्लियर लिक्विड्स लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, दही हो गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूसेस हो गए हैं, खिचड़ी हो गया, जो चीजें जिसमें हम बिल्कुल मसाला भी नहीं यूज करेंगे पर फिर भी दैट थिंग इज एक्सेप्टेबल स्टिल। कीमोथेरेपी शरीर के रोग बचाव प्रणाली को कमजोर करती है, आपको अपनी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। याद रखें, ये सब अस्थाई है, गुजर जाएगा और बाल वो भी फिर आ जाएंगे। कैंसर का ट्रीटमेंट जो है कोई इन्फेक्शन की तरह ही है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब तक ले रहे हैं तब तक प्रिकॉशंस लेने होते हैं, केयर लेना पड़ता है कि बाहर ज्यादा खाए नहीं, कीमोथेरेपी के टाइम पे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उनमें और किसी लेडी में जिनको कैंसर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं है। कीमोथेरेपी के दौरान बाल गिर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 2 महीने के बाद जब बाल वापस आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो कैंसर पेशेंट ज्यादा सुंदर दिखते हैं। कीमोथेरेपी को स्वीकार करें एक सकारात्मक तरीके से। Thank you.